हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 21st और 26th अक्टूबर का एनालिसिस करेंगे। 21st अक्टूबर का हमारा बैकलॉग है, आपको पता ही होगा, तो इसका हम बैकलॉग आज खत्म कर देंगे, राइट। आई होप आप एजुकेटी की वेबसाइट विजिट करते होंगे, वहां पर आपको रिव्यूज दिखेंगे। एंड किसी ने कमेंट्स में पूछा था क्या ये एनालिसिस पीयू 5 ईयर्स लॉ के लिए हेल्पफुल है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिल्कुल, वहां पे आपके 50 to 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जीके के हैं और आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो जाएंगे। सिमिलरली कोई पूछा था सीयूटी पीजी के लिए COQP 11, जो कि लॉ का एग्जाम भी है और जनरल एग्जाम भी है, वहां की करंट अफेयर्स भी बिल्कुल द हिंदू बेस्ड है, ठीक है। और कोई एग्जाम का आपका ऐसा ही डाउट हो कि ये एग्जाम के लिए चलेगी या नहीं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई और डाउट हो लर्निंग का, समझने का कुछ भी, तो आप डाउट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद इंडिया चाइना टू अंडरटेक कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि देखना जाके कि सब कुछ ठीक है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करने वाले हैं कहाँ पर, डीप डेपसैंग और डेमचौक। हमें पता है, अगर हम बार बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आपने पूरा अक्टूबर भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो, कि डिसएंगेजमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हर जगह हो चुकी है, पर दो जगह पर नहीं हो पा रही थी। जो अब हो चुकी है वो है डेपसैंग और डेमचौक। वहां पर इंडिया और चाइना ने क्या डिसाइड किया है, इंडिया एंड चाइना टू अंडरटेक कौन सी पेट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग कहाँ पर, इन डेपसैंग, ठीक है ना। दीप बहुत अच्छा ही गाना गाता है, तो ई हटा देंगे तो डेपसैंग, डेमचौक, चौक बोर्ड से चौक याद हो जाएगा, डेमचौक, ठीक है ना। अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऑफ कंट्रोल LAC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इन ईस्टर्न लद्दाख टू अवॉइड फेस ऑफ। वंस द पेट्रोल रिज्यूम बाय द मंथ एंड, आर्मी सोर्सेज सेड दे एडेड दैट डिसएंगेजमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय अक्टूबर 29th अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगी। एज पर ऑफिशियल सोर्सेज इट वॉज ऑल्सो अग्री दैट चाइना पेट्रोल्स वुड अलाउ बी अलाउड इन। अब यहाँ पर चाइनीज पेट्रोल्स be allowed in Yangtze, that is in Arunachal Pradesh, Yangtze Arunachal Pradesh के अंदर भी पेट्रोलिंग जो है वो अलाउड होगी, ठीक है ना। आर्मी सोर्सेज सेट द डिसएंगेजमेंट विच कमेंस्ड ऑन ट्यूजडे वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय अक्टूबर 29 विद अ रिटर्न टू प्री अप्रैल 2020 सिचुएशन। अल्टीमेटली किस पे रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न टू प्री अप्रैल 2020 सिचुएशन, ठीक है ना। तो वैसी ही सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना। अ जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड फर्स्ट एट डिप्लोमेटिक लेवल, पहले डिप्लोमैट्स ने किया, फिर उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग वगैरह हुई। अ करंट अग्रीमेंट प्रिटेन टू ओनली डेपसैंग एंड डेमचौक द टू रिमेनिंग फिक्शन पॉइंट्स दे सेड। अब ये हो जाएगा, तो डेमचौक और डेपसैंग का जो इशू था वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, वाराणसी कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एडिशनल ASI सर्वे ऑफ इंटायर ज्ञानवप्पी मॉस्क। तो ज्ञानवप्पी मॉस्क का क्या इशू है, ज्ञानवप्पी मॉस्क का ये इशू है कि यहाँ पर मॉस्क बना हुआ है, कहा जाता है कि पहले यहाँ पर टेम्पल था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा अलग है, ये ऊपर वाला अलग है, तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने ये रिमूव करवा दिया था टेम्पल और यहाँ पर मॉस्क बनवा दिया था और शिवलिंग वहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाराणसी कोर्ट में प्ली गई, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ज्ञानवप्पी मॉस्क है कहाँ पर, ठीक है ना। ज्ञानवप्पी मॉस्क जो है वो वाराणसी में है, ठीक है ना, वाराणसी में है। और इसका सर्वे मांग रहे थे दोबारा से, बट नहीं मना कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्ञानवप्पी मॉस्क और कहा जाता है हाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था, ठीक है ना। और शिवलिंग भी यहाँ पर पाया गया है, सर्वे हो चुका है इसका, और सर्वे करने का बोला बट वो मना कर दिया। हमें पता होना चाहिए ज्ञानवप्पी मॉस्क कहाँ पर है, वाराणसी। कहा जाता है यहाँ पर पहले टेम्पल हुआ करता था और फिर मॉस्क बना। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन प्ली
टू डू अवे विद वीआईपी ट्रीटमेंट इन टेम्पल्स. वीआईपी ट्रीटमेंट होता है टेम्पल में, ठीक है, वो डन अवे कर देंगे कैसे. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्रीड टू एग्जामिन अ प्ली टू स्क्रैप ऑफ वीआईपी एंट्री चार्जेस एंड अकॉर्डिंग ऑफ प्रेफरेंशियल सिलेक्शन स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल इन टेम्पल्स वाइल थाउजेंड्स ऑफ डिवोटी इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन वुमेन चिल्ड्रन पर्सन विद वेट फॉर आर्ट्स. तो यहाँ पर सही बात है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. अब अगर मैं अपने मॉम डैड को कहीं लेके जाती हूँ, उनको बहुत शौक है टेम्पल में जाने का, जो ये फेमस टेम्पल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर दर्शन करवाने, बाई गॉड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. पहले बिठाओ दोनों को लाइन में खड़े हो 6-6 घंटे, फिर उनको जब लाइन में घुसाना हो तो पीछे से कोई ना कोई तो बोल देता है ये चीटिंग है. पर वो ये नहीं देखते कि बेचारों, वो मन चाहते हैं कर लें पर 7 घंटे खड़ा नहीं हुआ जाता उनसे. तो अगर सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअल में दर्शन ईजी हो जाएंगे ना, तो सच में जो जवान हैं वो तो चलो 7-7, 8-8 कैब 24 घंटे भी खड़ा लो उनको, बट जो सीनियर सिटीजन बच्चे हैं उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, और वुमेन भी जा सकती है अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो, ठीक है ना, वुमेन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए स्पेशल सुविधा होनी चाहिए. ठीक है, आगे चलेंगे, ये अभी नोट नहीं करना है. फेयर ट्रेड, अब यहाँ पर 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है बाकू अज़रबैजान में. दिस इज़ द PYQ बेटा, PYQ है. कोप कहाँ पर हो रही है, कौन सा एडिशन हो रहा है, 30-1, 30 साल की उम्र जब हो जाती है ना बंदे को लगता है अरे ये क्या हुआ, तो 30-1 29 पे फिर ठीक लगता है. ठीक है, तो 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि भाई क्या किया जाए. पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015 इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करेंगे हम अर्थ का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जैसे थे. ठीक है, तो 1.5 डिग्री तक लिमिट करने का टेम्परेचर प्रॉमिस हमने कहां पे किया था, पेरिस अग्रीमेंट 2015 में. ये मैं तुम्हें बार बार पढ़ा चुकी हूं, ठीक है ना. अब यहां पर देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है, ये बार बार क्या बात हो रही है ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री है, वो कार्बन का जो आउटपुट है वो कैसे रिड्यूस कर सकती है, कितना रिड्यूस कर सकती है, उतना ही फिर हम वहां पर जाके प्रॉमिस करेंगे, ये चीज हो रही है. और एक है कार्बन क्रेडिट सिस्टम. कौन सा सिस्टम है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम. कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम मान लो अमन की कंपनी है, ठीक है ना बेटा, अमन की कंपनी है, पॉल्यूशन नहीं करती है बिल्कुल भी, ठीक है ना. अलाउड होता है कि इतना पॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है ना, बट वो तो नो पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक. अब वो ये सर्टिफिकेट बेच सकता है किसको, रमन को, जिसकी कंपनी बहुत पॉल्यूशन कर रही है, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा, तो वो यहाँ से खरीद लेगा कि देखो मैंने ये खरीद लिए मेरे पूरे हो गए. मतलब एक सटल सा रहेगा कि इतना ही पॉल्यूशन ओवरऑल हो सकता है. ठीक है, तो इस पर भी बातचीत चल रही है अभी, हम पर लिखेंगे नहीं, इसको हो जाने दो फाइनल. उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आया, एंटी डिफेक्शन लॉ. बड़े ही दिनों बाद आया है एंटी डिफेक्शन लॉ, चलो इसको पढ़ते हैं. इसका हर साल एक क्वेश्चन पक्का है. तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, पहले इसको ना बड़े देसी भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा पढ़ेंगे हम. तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ पार्टीज, ठीक है ना. चेंजिंग डिफेक्शन क्या होता है, व्हेन एन इलेक्टेड एमपी, ये लिख लो, एमपी और एमएलए चेंजेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना. अब अमन है, उसने इलेक्शन बेटा लड़े बीजेपी से, पर अब वो जा रहा है कांग्रेस में, ठीक है. ये क्या है, दिस इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्शन. अब एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसा लॉ कि डिफेक्शन ना हो. क्यों, अब क्या हो रहा था, पूरा ऐसे अनस्टेबल ही चल रहा, कोई इधर जा रहा है, छलांग मार रहे थे पॉलिटिशियन, ऐसे जंपिंग खेल रहे थे, ठीक है ना. अब जंपिंग रोकने को, डिफेक्शन रोकने को, स्टेबल लेकर आने के लिए सरकार के लिए 1985 के अंदर 52nd अमेंडमेंट लिखेंगे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है ना, 1985 के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया, ठीक है ना, ये याद रहेगा. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में 10th शेड्यूल की तहत ये ऐड किया गया, ठीक है ना. और इसके अंदर क्या बोला गया, अब एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एमपी एमएलए फॉर लीविंग वन पार्टी टू अनदर, लिख लिया हमने. पार्लियामेंट एडेड 10th शेड्यूल 1985 लिख लिया,
ठीक है, 10 शेड्यूल ऐड हो गया, फाइन. उसके बाद आगे क्या हुआ? अब यहां पर कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है ना. इसमें कहा गया कि अगर, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ वन थर्ड, इफ क्या कह रहे हैं, इफ वन थर्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी गो टू अनदर पार्टी दैट इज कंसिडर्ड मर्जर. अब यहाँ पे ना एक स्टोरी मैंने तुम्हें पूरी नहीं सुनाई. देखो, मतलब डिफेक्शन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, ठीक है ना. अब पार्टी कोई चेंज कर रहा है एज एन एमपी एमएलए. एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमएलए क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का मैं. तो क्या होगा अगर वो डिफेक्शन करता है? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. वो री इलेक्शन लड़ सकता है, बट जो इसने इलेक्शन लड़के वो अभी बैठा है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, उसको लात पड़ जाएगी. दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उसको अगर वो चाहे तो, ठीक है ना. बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी. और वो क्या थी कि अगर वन थर्ड मेंबर्स ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा मर्जर. की कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात होगी कि वन थर्ड मेंबर्स उठकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं. अब ये जो वन थर्ड वाला क्राइटेरिया था ये चेंज कर दिया गया. थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल, अमेंडमेंट एक्ट 2003. तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के साथ अब क्या है, एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी में जाए तो वो मर्जर माना जाएगा. तो पहले क्या था? वन थर्ड. अब क्या है? वन टू थ्री. ठीक है, पहले क्या था? वन थर्ड. अब क्या है? टू थर्ड. ठीक है ना, वन टू थ्री, वन थर्ड, टू थर्ड. ठीक है, अब उसमें एक और चीज़ है, कौन डिसाइड करेगा? अब यार ये तो ये हो गया कि अब ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि डिफेक्शन हुआ है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मर्जर हुआ है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. अब ये डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, स्पीकर. ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं द डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर रेफर टू चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस. ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन विल टेक प्लेस और नॉट इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस. तो स्पीकर ऑफ द हाउस डिसाइड करता है पहले. एंड येस, जो डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस है वो आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो. इस सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट में भी आप लेकर जा सकते हो. कैन चैलेंज द डिसीजन बिफोर द कोर्ट. ठीक है ना, अब इसकी बात हो रही है. एंटी डिफेक्शन लॉ में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 10 शेड्यूल किसकी बात करता है ये सारा, या फिर अमेंडमेंट्स में जो है वो पूछा जाता है. तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, अब आगे चलेंगे. SC bars गुजरात गवर्नमेंट फ्रॉम एलोकेटिंग गिर सोमनाथ लैंड टू थर्ड पार्टी फॉर नाउ. तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स का लैंड है, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो था वो लोकल मुस्लिम्स का लैंड है जो ये आगे दे रहे हैं, तो अब इसके ऊपर रोक लगा दी गई है. तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट बार्स, मतलब रोक दिया गया, स्टॉप्स. बार्स अगर नहीं पता, स्टॉप्स गुजरात गवर्नमेंट फ्रॉम एलोकेटिंग गिर सोमनाथ लैंड टू थर्ड पार्टी फॉर नाउ. ठीक है ना, किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो कहा जा रहा है कि लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज क्या वो है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू अलेज्ड दैट इट बिलोंग्स टू लोकल मुस्लिम कम्युनिटी.
कहा जा रहा है कि वो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अब आगे चलेंगे, सेंटर टू रीलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, पुरानी लिखी हुई किताबें, पुराना, बहुत पुराना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेट टू रिवाइव एंड रीलॉन्च नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। कौन कर रहा है ये? यूनियन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू रिवाइव एंड रीलॉन्च नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या है? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, NMM। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस लिखेंगे अंडरलाइन करके, उसके ऊपर लिखेंगे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमस बॉडी बनेगी, बॉडी टू हेल्प प्रिजर्व एंशियंट टेक्स्ट्स इन इंडिया। जो एंशियंट टेक्स्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको प्रिजर्व करने के लिए किया जाएगा। NMM इज पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है ना, लिखेंगे NMM इज पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। द न्यू बॉडी लाइकली टू बी नेम्ड द नेशनल, न्यू बॉडी likely to be renamed National Manuscripts Authority। ठीक है ना, under ministry, कौन सी ministry? Ministry of Culture के अंदर आएगी। Ministry has held a meeting chaired by Culture Minister Gajendra Singh to discuss way forward, meeting took stock of NMM's achievements since its establishment। NMM जो है established कब हुई थी? Established in 2003। दोबारा से रिवाइव करें, NMM states that till date matter 52 lakh manuscripts have been prepared and roughly over 3 lakh titles have been digitized। NMM also stated that over past 21 years it had taken preservative and curative conservation of 9 crore folios। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन रिलॉन्च रिवाइव करें? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी लेकर आएंगे जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी होगा। NMM जो है वो पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है। यहां पर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका निकलेगा या फिर टाइटल में से। दिस इज द सच क्वेश्चंस आर PYQs, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। उसके बाद सेंटर हैज नॉट गिवन डाटा ऑन इमिग्रेशन झारखंड टू सुप्रीम कोर्ट। झारखंड के अंदर क्या हो गया है, झारखंड के अंदर ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। अब ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और इमिग्रेंट्स भी इंडियन इमिग्रेंट्स नहीं, बांग्लादेश से इलीगली लोग जो हैं झारखंड में एंटर कर रहे हैं, और बांग्लादेशी लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो यहाँ बट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एनी डाटा टू सपोर्ट द क्लेम दैट इलीगल इमिग्रेशन इज कॉजिंग अ रिडक्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड संथाल परगना रीजन, द स्टेट गवर्नमेंट सेड इन अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। द झारखंड गवर्नमेंट इज चैलेंजिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बींग हर्ड इन झारखंड हाईकोर्ट विच क्लेम दैट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज कॉजिंग डेमोग्राफिक चेंजेस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कोई प्रूफ तो हमें दिखाया नहीं है, तो अगर ये बात सच में सच है कि बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये अलाउ कर रही हैं कि उनकी वोट बैंक वो बन रही है, तो ये सच में बहुत ही गलत है। हम पहले अपना देश तो संभाल लें, हम अपने लोगों को तो देख लें, दूसरे लोगों को हम कैसे देख सकते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी लीव्स टाउन सबमर्ज। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी कहाँ पे आया था? ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्राम, सुना है आपने, कोलकाता में ट्राम होता है उसके पीछे आई लगा दिया ट्रामी। कहाँ पर आया? फिलीपींस में आया। क्वेश्चन क्या बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि यार ये वाला स्टॉर्म कहाँ पर आया था, तो ट्रामी कहाँ पे आया? ठीक है, रम्मी के आगे टी लगा दो या तो, या ट्राम के पीछे आई लगा दो, तो ट्रामी फिलीपींस में आया था जो कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म है।
ठीक है. उसके बाद ईरान एड 6 months टू नोबेल पीस प्राइज लॉरियट, पिछले साल जीता था इन्होंने. ईरानियन अथॉरिटीज हैव इशूड एन एडिशनल 6 months इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस अगेंस्ट नोबेल पीस प्राइज लॉरियट नरगिस मोहम्मदी, अ ग्रुप कैंपेनिंग फॉर एक्टिविस्ट सेट. द प्री नरगिस कॉलिएशन सेट द मोहम्मदी वॉज सेंटेंस टू एन एडिशनल 6 months इन प्रिजन ऑन द चार्ज ऑफ डिसोबेइंग एंड रेजिस्टिंग ऑर्डर्स. ठीक है ना, ईरानियन लिखेंगे अथॉरिटीज एडिशनल 6 months month prison sentence to Nobel Peace Prize winner. इनको लास्ट ईयर मिला था नरगिस मोहम्मदी फॉर disobeying एंड resisting ऑर्डर्स. तो ईरान के अंदर राइट्स कम ही है, फंडामेंटल राइट्स स्पेशली वुमेन की तो बिल्कुल भी नहीं है. फंडामेंटल राइट्स कम है वहाँ पर. आर्टिस्ट लोगों को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, उनको तो जेल में रखना पसंद रखते हैं. ओनर मैनेजर ऑफ शिप डाली दैट कोलाइडेड विद बाल्टीमोर ब्रिज अग्री टू पे. अब क्या हुआ था, यूएसए के अंदर बाल्टीमोर के अंदर एक शिप जो थी, अभी लिखो मत, बाल्टीमोर के अंदर एक शिप जो थी वो ब्रिज के साथ बच गई. ठीक है, ब्रिज सारा गिर गया, 3-4 लोग भी मर गए. यूएसए कहता है भैया हमको तो पैसा चाहिए. तो ओनर मैनेजर ऑफ द शिप जो है वो कह रहे हैं ठीक है ले लो. ठीक है ना, तो शिप डाली मैनेजर ओनर ओनर अग्री टू पे $102 million. ठीक है, अब यहां पे इसका ओनर कौन है, इसका ओनर है ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड एंड साइनर्जी मैरीन प्राइवेट लिमिटेड. क्या है, सिंगापुर बेस्ड ओनर है एंड बेस्ड ओनर एंड मैनेजर ऑफ शिप डाली दैट कोलाइडेड, किसके साथ बजी थी ये, कोलाइडेड इनटू फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज इन बाल्टीमोर इन मार्च 2023. ठीक है ना, तो यहाँ पर डाली हैज अ 21 मेंबर क्रू, मोस्टली इंडियन क्रू था इसका. रिया हैज अलेज्ड इन कोर्ट आफ्टर मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेट दैट कोलिजन कुड बी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेड दैट कोलिजन कुड हैव बीन अवॉइडेड. जो कोलिजन है वो अवॉइड हो सकती थी, और इसीलिए क्योंकि इन्होंने शिप को ठीक ठाक नहीं रखा, रिपेयर्स नहीं हुई थी उसकी, तभी ये बची है. तो इनके ओनर ओनर को कितना देना पड़ेगा, $102 million. अब सिंगापुर बेस्ड ओनर्स हैं. ठीक है, ब्रिज का नाम कहाँ पर है, ये यूएसए के अंदर है. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. साउथ कोरिया स्लैम्स रशिया ट्रीटी विद पायंगोंग. रशिया क्या साउथ कोरिया अलेज कर रहा है कि रशिया जो है नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है और यूक्रेन की वॉर में उतारेगा उनको. ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है ना, साउथ कोरिया तो ये ठीक है, रशियन डिफेंस ट्रीटी विद नॉर्थ कोरिया, क्या है, डिफेंस ट्रीटी विद नॉर्थ कोरिया, और इसमें क्या है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ठीक है, नॉर्थ रशिया ट्रेनिंग नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स टू बी सेंट इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. तो यूक्रेन के अगेंस्ट ये वॉर में जाएंगे. ठीक है, अब इसमें इसरो डीबीटी का अग्रीमेंट साइन हुआ है टू कंडक्ट बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस स्टेशन. तो इसरो डीबीटी साइन अग्रीमेंट टू कंडक्ट
बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस स्टेशंस, तो क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे स्पेस स्टेशन में जो हमारा वहां पे बनने वाले, तो इसरो की फुल फॉर्म और डीबीटी की फुल फॉर्म लिखेंगे। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड डीबीटी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन स्पेस रिसर्च की एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अग्रीमेंट टू, अग्रीमेंट किसके बारे में, अग्रीमेंट टू डिजाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विच विल देन बी इंटीग्रेटेड इंटू अपकमिंग भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, क्या नाम है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, इंडियाज प्रपोज्ड मतलब बोला हुआ है कि बनेगा, इंडिजीनस मतलब सब कुछ खुद करेंगे स्पेस स्टेशन, तो वहां पर ये इंटीग्रेट होंगे एक्सपेरिमेंट्स, डिजाइन करेंगे कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर, बास में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में, जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है, स्पेस के अंदर स्टेशन बनाने का जो है, ठीक है, उसके लिए अग्रीमेंट हो रहे हैं। इज एक्सपेक्टेड टू टेक शेप बिटवीन 2028 टू 2035। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बीइंग मूटेड इंक्लूड वेटलेसनेस, कैन इन्फ्लुएंस मसल लॉस ऑन दोज इन स्पेस, व्हाट काइंड ऑफ एल्गी मे बी सूटेबल एज न्यूट्रिएंट्स, हाउ सम एल्गी मे बी प्रोसेस टू मेक जेट फ्यूल, ठीक है ना, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। उसके बाद इसरोस प्लेट, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक तो इन्होंने ये अग्रीमेंट के बारे में बात करा, दूसरा ये बात करें गगनयान के बारे में, किसके बारे में बात करें, गगनयान, तो गगनयान क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन। गगनयान इंडियाज फर्स्ट क्रूड मिशन, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भेजेंगे क्रूड मिशन टू स्पेस, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड लॉन्च कब है इसका, 2025-2026 है। उसके बाद यहां पर बात कर रहे हैं इसरो डीबीटी कोलैबोरेशन स्टेम्स फ्रॉम अनदर इनिशिएटिव दिस ईयर कॉल्ड BioE3, ठीक है ना, तो BioE3 करके कुछ आया है जो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, BioE3 बायोटेक्नोलॉजी के और एक्सपेरिमेंट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, BioE3 की बायोटेक्नोलॉजी, बी से बायो, ठीक है ना, इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एम्स टू इंक्रीज बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जहां पर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन, बायो इज स्टडी ऑफ ह्यूमन और ये सब, वहां टेक्नोलॉजी भी लगा दी साथ में, तो वो इसके चक्कर में इन्होंने ये करा है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये वाले BioE3 जो इन्होंने एम करा है कि हमको बायो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, उसी के चक्कर में ये अग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो इसरो और DBT के बीच में ये अग्रीमेंट जो है हुआ है, स्टार मार्क करेंगे इसको। उसके बाद आगे चलेंगे, अब यहाँ पे PM inaugurates 3 airports in MP, UP and Chhattisgarh. Prime Minister virtually inaugurated 3 airports across the country. The airports have been developed under regional connectivity scheme. तो हमारी regional connectivity scheme क्यों है? क्या है? PM Modi inaugurates 3 airports across the country. ठीक है ना, और वो तीन एयरपोर्ट कहाँ पर हैं? सबसे पहला हुआ सूरगुजा जो कि है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद है रेवा जो कि है MP में, तीसरा है सहारनपुर जो कि है यूपी में। देखो यार, सहारनपुर तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, सूरगुजा, ठीक है ना, सूर्य से याद कर सकते हो, सूरगुजा,
ठीक है, रेवा, रेवड़ी से याद कर सकते हो रेवा। और ये कौन सी स्कीम के अंडर हुए हैं? अंडर उड़ान। उड़ान क्या है? उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। ये क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, कि सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, छोटों में भी होना चाहिए, ताकि हर आम आदमी जो है वो उड़ सके। तो ये उड़ान की स्कीम है। कोई मुझे बता सकता है कब लॉन्च हुई है? लॉन्च दिन बताओ, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कब लॉन्च हुई है उड़ान। उसके बाद व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू सिग्निफाई? आपको बताया लेडी ऑफ जस्टिस का जो स्टैचू है, जो वो तराजू लेके खड़ी होती है, वो चेंज हो गया है। तो क्या आ गया है? न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू, ठीक है ना। सीजीआई अनवेल्ड न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू इन सुप्रीम कोर्ट प्रिमाइसेस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिप्लेस्ड ओरिजिनल लेडी स्टैचू। तो यहां पर पुरानी वाली को क्या बोल रहे थे? ओरिजिनल लेडी स्टैचू। न्यू लेडी स्टैचू जस्टिस, लेडी जस्टिस स्टैचू वहां पे लगा दिए। तो ये नाम याद रखने हैं। द न्यू स्टैचू इज क्लोथ इन अ साड़ी, has shed the blindfold and hold scales on one hand, the Indian constitution on the other hand. बहुत ज्यादा important. New statue ने कौन से कपड़े डाले हैं? Cloth. वो कह रहे हैं clothed in साड़ी, हमने उसको इंडियनाइज कर दिया है, साड़ी डलवा दी है। क्या उसने गिव अप कर दिया? Has shed, given up ब्लाइंड फोल्ड। जो ब्लाइंड फोल्ड हम कहते थे ना, अंधा कानून, नहीं नहीं अब कानून अंधा नहीं है, ब्लाइंड फोल्ड जो पट्टी बांधी हुई थी वो खोल दी है। एंड होल्ड क्या करती है? एंड होल्ड स्केल्स ऑन वन हैंड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर। क्या होल्ड करती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे हाथ में होल्ड करती है, एक हाथ में स्केल, दो तराजू होता है जिसमें सब्जी तोलते हैं, वैसा सा जो होता है वो। तो अब क्या है, जो न्यू लेडी स्टैचू है उसने क्या डाला हुआ है? साड़ी डाली हुई है। उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड गिव अप कर दिया, एक हाथ में स्केल्स है और एक हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। इट इज बिलीव दैट द ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न डे लेडी जस्टिस इज जस्टिटिटिया, द गॉडेस ऑफ जस्टिस इन रोमन माइथोलॉजी। Lady Justice is depicted with a blindfold, scales and sword. The blindfold was added during the Renaissance period, probably as a satire on corrupt state. तो अब यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे क्लैट में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब क्या ऐड हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली फॉर क्लैट, ठीक है ना। जो क्लैट वाले बच्चे हैं, कुछ ही महीने रह गए अब तो, ठीक है, उसके बाद हम, हाँ उसके बाद 2025 वाले जाएंगे, 26 वाले आ जाएंगे, यही चलता रहेगा, यही प्रथा है। इट इज बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न डे लेडी जस्टिस इज जस्टिसिया, द गॉडेस ऑफ जस्टिस इन रोम। तो जो मॉडर्न डे लेडी जस्टिस है उसको क्या बोल रहे हैं? इज जस्टिटिया, दैट इज गॉडेस ऑफ जस्टिस इन रोमन माइथोलॉजी। तो गॉडेस ऑफ जस्टिस है ये रोमन माइथोलॉजी में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इनके हाथ में स्वॉर्ड भी है और वो कह रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड जो था ना, ब्लाइंड फोल्ड एडेड ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड। तो जो रेनेसा का पीरियड था ना, उस ड्यूरिंग में पट्टी ऐड करी गई, ठीक है ना। अब यहां पर वाई द चेंज, वो कह रहे हैं क्यों चेंज क्यों करा जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल, वो लेकर आए थे ये लेडी जस्टिस को इंडिया में, कोर्ट रूम के अंदर प्लेस किया, और ये ब्रिटिश ब्रिटिश वाला ज्यादा एजेंडा था, ठीक है ना। तो अब यहां पर द स्वॉर्ड बींग वॉट अर्जेंट, अब यहां पर द स्वॉर्ड बींग, अब यहां पर हम पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, ये सब कुछ हमने कहाँ से कॉपी किया? ब्रिटिश से। तो ये क्या था, इंट्रोड्यूस्ड ए लीगल सिस्टम, इट वॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश लाइफ बिकेम अ प्रोमिनेंट सिंबल इन द कोर्ट। द न्यू स्टैचू इज एन अटेम्प्ट टू डी कॉलियनैलिटी विद एन एम टू। अब यहाँ पर वाई चेंज, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये सब लिखेंगे वाई चेंज्ड, क्यों चेंज करा। वो कहते न्यू स्टैचू
अटेम्प्ट टू डी कॉलोनियलिटी, मतलब जो ब्रिटिशर्स का रूल था, जो हमारे सर पे वो छोड़ के गए कुछ परछाव, वो हम निकालना चाहते थे. शेड कोलोनियल सिंबल्स, ये कोलोनियल सिंबल था, ब्रिटिशर्स का सिंबल था, इसमें इंडियन वो नहीं था, ठीक है ना. अब डलवा दी हमने इसको साड़ी, ठीक है ना. अब ये करेंगे इंडियन, इंडियन बिल्कुल. द साड़ी इज रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर ब्रिंग्स द स्टैचू क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशन. अब ये चेंजेस क्यों करे गए, ये हम लिखेंगे. साड़ी का चेंज क्यों करा गया, ठीक है ना. साड़ी रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर, अटायर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है. अटायर का मतलब होता है क्लोदिंग, क्लोदिंग वेयर. ब्रिंग्स द स्टैचू क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशन, ये इंडियन ट्रेडिशन के बिल्कुल पास में आ गई है. बहुत बढ़िया, ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज, रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड. क्यों करा गया ब्लाइंड फोल्ड, अंधा कानून क्यों हटा दिया, ठीक है ना. रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड, क्यों ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया. एंड द रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड एंड हैविंग आईज ओपन इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना. एंड हैविंग आईज ओपन सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब इन इंडियन कंटेक्स्ट, हमारे कंटेक्स्ट में आंख खुली ही चाहिए. इट कन्वेज लॉ इज नॉट ब्लाइंड, इट कन्वेज लॉ इज नॉट ब्लाइंड एंड इट सीज एवरीवन इक्वली. लॉ अंधा नहीं है, वो हर किसी को कैसे देखता है, इक्वली देखता है, ठीक है ना. मोर इंपॉर्टेंट आर सोसाइटी सोशल डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज सेक्शन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स लॉज मेड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट रिक्वायर अ न्यू साइंस अप्रोच ऑफ व्यूइंग एवरी केस अप्रोप्रिएटली एंड डिलीवरिंग जस्टिस, ठीक है ना. द स्वॉर्ड बींग रिप्लेस्ड विद, अब यहाँ पे क्या है, स्वॉर्ड बींग रिप्लेस्ड विद, स्वॉर्ड को किस लिए रिप्लेस किया गया, स्वॉर्ड रिप्लेस्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्वॉर्ड की जगह पहले जो जहां स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था वहां क्या डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या है, सिंबलाइजेस, सिंबलाइजेस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस, कितनी सुप्रीम है, सबसे ऊपर है. एंड इट्स वैल्यू इन आवर ज्यूरिसप्रूडेंस, लॉ, लीगल थ्योरी. ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है, लॉ, जो हमारी लीगल लॉ की थ्योरी है, ठीक है ना. और उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर, सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम, नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिजर्विंग ऑफ द स्केल्स गोज ऑन टू शो दैट कोर्ट, ठीक है ना. स्केल प्रिजर्विंग, स्केल्स को रखा गया है, एक हाथ में स्केल पकड़ा हुआ है, वो जो वेइंग वाला होता है. कोर्ट्स विल कॉन्टिन्यू, क्या कह रहे हैं, कोर्ट्स विल कॉन्टिन्यू वेइंग एविडेंस इम्पार्शियलिटी एंड हियरिंग बोथ साइड्स बिफोर डिलीवरिंग इट्स फाइनल जजमेंट. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, 21st का है ये. न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू आ गया है, किसने अनवेल किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कहाँ पर अनवेल किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर. पुरानी वाली लेडी जस्टिस को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल लेडी स्टैचू, नई वाली को न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू, नाम याद रखना है, ठीक है ना. अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, साड़ी पहना दी गई है, क्या पहना दी गई है, साड़ी पहना दी गई है. ब्लाइंड फोल्ड उतार दिया गया है, आंखें खुली हैं. स्वॉर्ड रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्केल्स को रखा गया. क्यों रखा गया है स्केल्स को, क्योंकि वो याद करवाते हैं कि आपको दोनों साइडों को सुनना है, दोनों साइड इक्वल हैं, सबके एविडेंस देखने हैं आपने, वो जज को याद दिलाते हैं, ठीक है. तो ये है, उसके बाद आगे चलेंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, announced on Sunday that steps would be taken to preserve lighthouses. ठीक है ना, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways announced that steps would be taken to preserve
लाइट हाउसेस जो शिप्स को रास्ता लाइट दिखाते थे, ठीक है ना, पुराने जमाने में वो, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिया के पार्ट ऑफ इंडियाज रिच मैरीन हेरिटेज, तो इंडिया के हेरिटेज का ये पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू टूरिस्ट हब्स, क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म देम इनटू टूरिस्ट हब्स, जो जो कोस्टल कम्युनिटी है जो सी के ओशन के साथ रहते हैं उनको पैसे कमाने में हेल्प करेगी। ये कहाँ पर बोला, सेकंड इंडियन, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेकंड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, कहाँ पर हुआ ये लाइट हाउस फेस्टिवल, इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, पुरी में हुआ, कहाँ पर हुआ, पुरी में। देर हैव बीन अ 400% राइज इन फुटफॉल सिंस 2014, जो लोग लाइट हाउस देखने जा रहे हैं, लाइट हाउस फेस्टिवल कंडक्ट कहाँ पर हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सोफी डेविन्स न्यूजीलैंड क्लिंच इट्स मेडन, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड वन इट्स मेडन का मतलब फर्स्ट, वन इट्स फर्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ, दुबई में हुआ ये, ठीक है ना, टुक प्लेस इन दुबई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, मस्क प्रोमिसेस $1 million एवरी डे टू अ पर्सन साइनिंग हिज पिटिशन, बिलियनियर एलन मस्क प्रोमिस्ड ऑन सैटरडे टू गिव अवे $1 million ईच डे अंटिल नवंबर्स इलेक्शन टू समवन हु साइंस हिज ऑनलाइन पिटिशन सपोर्टिंग द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ही अवॉर्डेड अ $1 million चेक टू अ अटेंडी ऑफ हिज इवेंट इन पेनिसवेरिया एम्ड एट रैलिंग सपोर्टर्स बिहाइंड रिपब्लिकन एम्ड एट रैलिंग सपोर्टर्स बिहाइंड रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर बिलियनर, तो यहां पर हम बिलियनर छोड़ो लिखेंगे, एलन मस्क टू गिव अवे $1 million ईच डे अंटिल नवंबर्स इलेक्शन टू समवन who signs petition supporting US Constitution, कि US Constitution को जो सपोर्ट करेगा तो की करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने पिटिशन साइन करा है, ठीक है ना। तो यहां पर रैलिंग एम्ड एट किसके लिए, एम्ड एट रैलिंग सपोर्टर्स बिहाइंड रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके अंदर ना क्लियर नहीं माना गया, बताया गया कि ये अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के या इन सपोर्ट, तो ये हम पढ़ लेंगे और मैं तुम्हें कल बता दूंगी, ठीक है, कमेंट्स में याद करा देना। फॉर्मर जनरल प्रबाबो सुबांतो वॉज फॉर प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, लिखेंगे प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, कौन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इट इज प्राबोवो सुबियांटो, तो यहाँ पे एंट आ रहा है, सब सब खाते हैं, सब एंट, ठीक है ना, प्राबोवो। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वाड ग्रुपिंग कंट्रीज टेक पार्ट इन बैक टू बैक नेवल वॉर गेम्स, क्वाड ग्रुपिंग कंट्रीज जो है, क्वाड ग्रुपिंग डिफेंस एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हमें पता है क्वाड में कौन कौन है, मुझे बार बार बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अक्टूबर का आई होप आपने सबने अटेंड किया होगा और हमने बार बार डिस्कस किया क्वाड में कौन कौन है, और आज कमेंट्स में यही मुझे पता भी चलना चाहिए। तो इनकी नेवल एक्सरसाइज में सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करी इन्होंने, मालाबार, कौन सी एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज मालाबार, लिखेंगे एक्सरसाइज मालाबार, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मालाबार, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, कहां पर हुई, विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने विशाखापट्टनम में हार्बर वेज बे ऑफ बंगाल सी सर्व्स अ टेस्टामेंट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है ठीक है, बिगैन इन 1992
as bilateral naval drill between USA and India. एंड इसके अंदर सारी क्वाड कंट्रीज ने अब अटेंड करी एक्सरसाइज मालाबार. और वैसे ही कौन सी एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज काका डू. ठीक है ना, काका क्या करेगा, डू करेगा, क्या कुछ भी, काका छोटा काका कुछ भी कर सकता है. होस्टेड बाय, ये किसने होस्ट करी, होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करी ऑस्ट्रेलियन नेवी. ठीक है, आगे चलेंगे. इंट्रोपेरेबिलिटी, मतलब कि अगर एक साथ मिलकर अगर कोई काम करना पड़े वो कैसे करेंगे, ये एक्सरसाइज में इन्होंने मेजरली ये कर पाए हैं ये चीज. ठीक है ना, ओरिजिनल पेरेंट डॉक्यूमेंट नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये किसने बोला है, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल पेरेंट डॉक्यूमेंट नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये कौन बोल रहा है, मद्रास हाई कोर्ट बोल रहा है. ठीक है ना, कि अगर आपके पास फोटो कॉपी है तो वो भी चल जाएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, ये बोल रहे हैं. और इसके अंदर इन्होंने बोला है कि बायर्स, ठीक है एक मिनट, यहां पर इन्होंने एक फंडामेंटल चीज बताई है, कैवियाट एम्प्टर. ये प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल दैट दैट the buyer and buyer alone is responsible for checking quality and suitability of goods before a purchase is made. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई लैंड खरीद रहे हैं आपको ही देखना पड़ेगा कि सब चीजें सही हैं, कुछ गलत तो नहीं है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन से ईयर का है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं 1882 का है. और उसके बाद आर्टिकल 300A क्या कहती है, आर्टिकल 300A जो है वो बात करती है प्रॉपर्टी टू होल्ड, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्या है बेटा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ओके, वाराणसी विल इमर्ज एज अ हेल्थ केयर हब. तो वाराणसी के अंदर पीएम ने हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल इनॉगरेट किया है. और वहां पे वो मोदी जी शंकराचार्य से मिलने गए थे, तो उन्होंने एनडीए, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को क्या फुल फॉर्म दी है, एनडीए को उन्होंने बोला है, सॉरी फॉर द बर्ब, नरेंद्र दामोदर दास, दामोदर दास का अनुशासन. ये किसने बोला है, शंकराचार्य ने, ठीक है ना, शंकराचार्य ऑफ कांची, श्री विजेंद्र सरस्वती स्वामीगल, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला, उनसे मिलने गए थे. सो गाइज दैट्स इट. तो आज हमने 21st और 26th अक्टूबर दोनों ही खत्म कर लिए हैं क्योंकि आगे जाके थोड़ा बैकलॉग मुझे दिख रहा है. दिवाली आने वाली है तो यार मुझे भी सेलिब्रेट करनी होगी दिवाली अपने घर वालों के साथ. हर साल अब 3 साल हो जाएंगे मुझे लगातार न्यूज़पेपर करते हुए, बीइंग अ सिंगल टीचर. दूसरे चैनलों पे तो आप देखोगे टीचर्स बदलती रहती हैं, पर मैं यहीं पे हूं. ठीक है, तो इसलिए दिवाली सेलिब्रेट होगी, एक दो दिन का बैकलॉग तब बनेगा और मुझे कोई उसमें वो नहीं है. मैं सेलिब्रेट करूंगी अपनी दिवाली बढ़िया तरीके से, मुझे बहुत मज़ा आता है रंगोली बनाने में, दिए कलर करने में, सब बचपन वाले काम करती हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपने loggery.in पर चेक कर लेना, अक्टूबर का पार्ट 1 डल चुका है और सेप्टेम्बर का पार्ट 3 जो है वो डल चुका है. ठीक है ना, तो कर लेना. और सितंबर के MCQs भी आज मैंने अपने आपसे प्रॉमिस किए हैं कि दिवाली हॉलीडेज पे जाने से पहले सितंबर के MCQs कर जाएंगे, अक्टूबर के MCQs आपको नेक्स्ट मंथ मिलेंगे. ठीक है ना, तो ये आपका हो रहा है. NLSAT का आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है अगर आपने उस पर इनरोल करना है. AIET के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, SLAT के मॉक टेस्ट चल रहे हैं एंड IBPS SO के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं. ठीक है ना, तो वो अगर मॉक टेस्ट आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है.
बहुत क्लियरली लॉगरी डॉट इन पर. दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. ठीक है ना, सून हम 30K की फैमिली होने वाले हैं, वो जल्दी करवाइए बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर.